विजय जैन पर आरोप, नौरत गुजर की आईडी से करवाई राहुल गांधी के लिए अवृत टिप्पणी। गुजर तेज सेना ने फूका जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन का पुतला। विजय जैन को अध्यक्ष पद से हटवाने की मांग। कल देर रात डीसीसी के महासचिव नौरत गुजर व एनईसीए के प्रदेश सचिव सर्वेश पारिक की आईडी से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए अवृत टिप्पणी की गई थी, जिस पर नौरत गुजर ने बयान देते हुए कहा कि मेरी आईडी हैक हो गई थी। इसी के चलते आज गुजर देवसेना ने नौरत गुजर का समर्थन करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय जैन का पुतला फूका। देवसेना के अध्यक्ष नंद किशोर गुजर का कहना है कि नौरत गुजर की आईडी से हुई टिप्पणी विजय जैन द्वारा आईडी हैक करवाकर की गई है, जिसको लेकर गुजर समाज ने भारी प्रदर्शन किया। नंद किशोर गुजर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मांग की है कि जल्द से जल्द विजय जैन को अध्यक्ष पद से हटवाए, अन्यथा आगामी चुनाव में फिर से भाजपा जीत का परचम फहराएगी। नंद किशोर गुजर का विजय जैन पर यह भी आरोप है कि गत कुछ समय पहले माकड़वाली में हुए पंचायत समिति के चुनाव के दौरान विजय जैन एक भी बार माकड़वाली नहीं गए। नंद किशोर गुजर ने कहा कि विजय जैन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर भू माफियाओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। 6 महीने से अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई विजय जी जैन अपनी कार्य प्रणाली से पूरी कांग्रेस को गर्त में डाल रहे हैं, जहाँ पूरे प्रदेश में सचिन पायलट अपना पसीना बहाकर पूरी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और विजय जैन एक एक गुजर को अजमेर शहर के को जो है अपने निशाने पर लेकर हर तरीके से किसी भी तरीके से किसी भी बहाने से उनको कांग्रेस से निष्कासित करने में लगे हुए हैं। अभी 4 दिन पहले जब माकड़वाली में चुनाव हुआ था, जिसमें हमारी गुजर प्रत्याशी खड़ी थी, उसके चुनाव में एक दिन भी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माकड़वाली और लोहागल नहीं गए और ना ही उन्होंने किसी टीम को जाने दिया, जिस कारण हमारे गुजर समाज की एक बेटी इस चुनाव में पराजय हुई। दूसरा, कल उन्होंने जो है अपने कुछ साथियों को यह निर्देश दिए कि नौरत गुजर की एक आईडी पे राहुल गांधी के जन्मदिन पर जो है एक फर्जी पोस्ट डलवा कर, और आज नौरत गुजर का जो उन्होंने पुतला दहन कराया मदार गेट पर, उससे देवसेना गुजर समाज में हमें आक्रोश है। हम सचिन पायलट जी से मैं 6 महीने पहले जो है मिलकर मैं उनसे निवेदन कर चुका हूं कि आपकी कांग्रेस को विजय जैन गड्ढे में डाल रहे हैं। विजय जैन जो जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी है उनको दरकिनार करके भू माफियाओं की कांग्रेस बना रहे हैं और उन लोगों को कांग्रेस में ले रहे हैं जिन पर 4-4, 5-5 मुकदमे हैं। तो इधर पूरी डीसीजी जो है उनसे प्रताड़ित है, विजय जैन से उनसे पीड़ित है, और सबसे बड़ी चीज ये सारे बड़े नेताओं को बता दिया गया है, लेकिन बड़े नेता अभी तक जो है इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आने वाले टाइम में सचिन पायलट जी हो या विवेक बंसल जी हो या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर विजय जैन जी को नहीं हटाता है और इनको इन पे पाबंदी नहीं लगाता है, तो निश्चित तौर पर अजमेर की उत्तर और दक्षिण सीट बीजेपी पुनः जीतेगी और कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। और विजय जैन जी सबसे बड़ा पहलू यह है कि वो सचिन पायलट साहब जैसे व्यक्ति को भी गुमराह कर रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं, उनको पूरा बायोडाटा नहीं बता रहे हैं कि किन किन भू माफियाओं को उन्होंने भी कांग्रेस में लिया है। हम पुराने कांग्रेसी होते हुए कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखते हुए ये आगाह करना चाहते हैं कि विजय जैन को तुरंत कार्य मुक्त किया जाए और नया अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे कांग्रेस मजबूत हो और आने वाले चुनाव में कांग्रेस विजय पताका फहरा सके। Okay.